महीने की जो गर्मी होती है ना वो बड़ी सड़ी सी होती है, जिसमें गर्मी बहुत तेज लगती है और साथ ही हवा भी नहीं चलती है। ऐसे में ना तो आप कूलर चला सकते हैं क्योंकि बीमार हो जाने का खतरा होता है, ना ही गर्मी से बच सकते हैं। बस ऐसी ही एक संडे की दोपहर थी, मैं कमरे में बैठकर सोच रहा था कि क्या करूं, क्योंकि टीवी पर आजकल जिस तरह की फिल्में और जो कुछ दिखाते हैं वो देखना तो मेरे बस में नहीं था। और दोपहर को पापा सोते हैं और उनका आदेश है कि भाई उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए अन्यथा सजा भुगतनी पड़ती है। सो मैं बैठे बैठे एक किताब पढ़ने की सोच रहा था और जैसी किताब के शुरू के कुछ पन्ने पढ़े समझ में आया कि ये किताब मैं पहले पढ़ चुका हूँ। आजकल किताबें भी कॉपी होती है यार, क्या पता है। ऐसे ही समय में अचानक मेरा दोस्त घर में आता हुआ दिखा। बेचारा बिल्कुल बिल्ली की तरह पांव दबाए हुए आ रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर उसके पांव की आवाज से पापा जाग जाएंगे तो तांडव हो जाएगा। बस धीरे से वो मेरे पास आया, बोला चल बे फिल्म देखने चलते हैं। मैंने कहा अबे पागल है तू, इतनी गर्मी में मैं कुछ सामान गिर जाए बाहर तो लेने नहीं जाऊं, तेरे साथ मैं फिल्म देखने चलूं। अबे गर्मी है इसीलिए तो बोल रहा हूँ फिल्म देखने चलते हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, मॉल में जाएंगे ठंडी हवा में आराम से बैठेंगे। अरे यार मगर तू चलता है कि मैं जोर से चिल्लाऊं। अब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसे मना करता, क्योंकि पापा के जाग जाने का खतरा था। मैंने उसे कहा अबे रुक यार, मगर टिकट वो मैं ले दूंगा। सुनकर दिल खुशी से भर गया क्योंकि मेरा मित्र बहुत कम खर्च करता है। फिर मैं मम्मी से 150 रुपए ले लिए, कम से कम कुछ खाने के लिए साथ तो है, और दोनों बाइक में बैठकर मॉल की तरफ निकल पड़े। आजकल की रेड लाइट्स भी जो हाल है, एक बार लाल होती है तो हरा होने का नाम नहीं लेती और हरा होती है तो तुरंत लाल हो जाती है। बस ऐसे ही एक रेड लाइट पर आकर हम रुक गए। तेज धूप सर पर थी, ऊपर से लाइट हरे होने का नाम नहीं ले रही थी, और ऐसे मौकों पर ये लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। ये लोग से मतलब भिखारियों से था। जी हाँ, बस एक बूढ़ी भिखारन हमारे पास आ गई। वैसे भी मुझे भिखारियों से बड़ी नफरत होती है, और ऐसे में कोई पास आकर खड़े हो जाए तो बड़ा विचित्र लगता है। नहाते धोते हैं नहीं, गंदे रहते हैं, हो पैसों की इनके पास कमी नहीं होती है। कहते हैं कि मरने पर तो लाखों रुपए बैंक बैलेंस के रूप में मिलते हैं, मगर अपना धंधा सही चलाने के लिए लोग कई पैतरे आजमाते हैं। ऐसे ही वो औरत भी थी। इस कड़कड़ाती गर्मी में उसने कंबल ओढ़ रखा था और उस कंबल के अंदर से एक कंकाल नुमा हाथ बाहर निकला हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ से सना हुआ हो। ओह, मैंने भी उसे जाने का इशारा किया, मगर वो थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाइट भी हरी नहीं हो रही थी। अभी मित्र ने कहा अब एक काम करेगा, इसको भी साथ में गाड़ी में बैठा लेते, मॉल की ठंडक में इसे पिक्चर दिखा देते, इसी बहाने बेचारी इस गर्मी से तो बच जाएगी। मैंने कहा अबे देख नहीं रहा है, पहले से उसे ठंड लग रही है, कम्बल ओढ़े हुए हैं। तभी लाइट ग्रीन हो गई, हम वहां से भागे। मॉल पहुंचकर देखा तो टिकट के लिए लाइन थोड़ी लंबी हो गई थी। मैंने दोस्त से कहा अबे कम से कम इंटरनेट से बुकिंग को कर लेता, अबे पहले पता था कि पिक्चर देखने आएंगे, वो तो अचानक ही प्लान बना, तो भी चला आया तो अच्छा ही हुआ। किसी तरह से लाइन में खड़े होकर मित्र ने टिकट जुगाड़ ली। हम लोग गेट से अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि अचानक दोनों चौंक पड़ी। हमारे सामने वही बूढ़ी भिखारन हाथ फैलाए खड़ी थी। मैंने मित्र से कहा अबे ये क्या, ये यहाँ कैसे पहुंच गई, ये बस में चढ़कर आ गई क्या? अबे ये हम लोग का पीछा करते हुए यहां तो नहीं आई, कह रहे थे ना मुझे पिक्चर दिखाएंगे, अभी बेचारे सच तो नहीं सोच लिया। मैं भी हंस पड़ा, अबे नहीं यार मगर मॉल में तो घुसने किसके लिए होगा, हाँ यहाँ के लोग के बीच बड़ी अजीब सी दिख रही है, अब गार्ड वगैरह ने रोका नहीं इसे, आजकल के साले गार्ड भी ऐसे होते हैं। हम किसी तरह से उसके पास से निकलकर चले आए और टिकट दिखाकर गेट पे एंट्री ले ली। अंदर एसी की ठंडक में बैठकर हम लोग फिल्म देखने लगे। पहले न्यूज रील चली और फिर फिल्म चालू हो गई। हल्की बैंगनी रोशनी में एसी की ठंडक में फिल्म का मजा ले रहे। तभी अचानक मेरा मन कुछ भटकने लगा, मुझे बार बार पता नहीं कि वो बूढ़ी भिखारन याद आने लगी, आखिर वो मॉल के अंदर कैसे आई। मैंने मन हटाने के लिए आसपास देखना शुरू किया। अंधेरे में चारों तरफ लोग भरे हुए थे, हर सीट पर हर तरह के लोग, सभी का ध्यान सामने पर्दे पर।
बड़ा अजीब होता है ऐसे देखना भी। और देखते देखते अचानक मेरी नजर पड़ी हमारी सीट से करीब 3 फीट दूर। गौर से देखा तो वही बूढ़ी औरत सीट पर बैठी हुई थी और वैसे ही हाथ फैलाए हुए फिल्म की तरफ देख रही थी। मुझे तो जैसे काटो तो पानी ना हो। मैंने सीधे सबके दोस्त को इधर देख। मैं आगे कुछ कहता है पहले ही मेरा दोस्त ही कहाँ उठा। ये कैसे थे? ये अंदर कैसे आ गई? मुझे और उसे कुछ समझ नहीं आया। हम लोग तो मजाक नहीं बोल रहे थे, फिल्म दिखा दे। ये तो सचमुच फिल्म देखने चली आई। फिल्म देखते हुए भी भीख मांगने के अंदाज से क्यों है? हम लोग ध्यान हटाकर फिर से फिल्म की ओर देखने लगे, मगर ध्यान था कि फिल्म को नहीं लग रहा था। कभी मुझे न था काम करते तो चल घर चल गए। मेरी तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मैंने कहा चल बे चल। और हम दोनों उठकर तेजी से अंधेरे में एक दूसरे को धकेलते हुए लोगों के पैरों से टकराते हुए किसी तरह से माहौल से बाहर निकल आए और तेजी से लिफ्ट से उतरकर बाइक पर बैठे और बाइक भगा ली। घर पहुंचकर एक बार उस रेड लाइट पर देखा कहीं बूढ़ी औरत वहीं तो नहीं खड़ी है, मगर वहां कोई न था। दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को फ्रेश वगैरह होकर जब खाने की टेबल पर बैठे तो माँ ने पापा से कहा, आज बड़ी अजीब घटना हुई। पापा ने कहा, क्या हुआ? अरे वो रेड लाइट पर बुरी औरत थी ना, शायद उसे किसी गाड़ी में टक्कर मार दी, बेचारी वही मर गई। निगम वाले भी बड़ी देर से आए, बहुत देर तक उसकी लाश सड़क पड़ी पड़ी थी। मैं चौकड़ा, कौन सी बुरी औरत? वो कंबल ढके हुए जो रहती थी। हाँ बेटा, कहते हो कि मलेरिया था, बेचारी मलेरिया से बीमार होकर भी भूख मांगकर गुजारा करती। अच्छा मर गई वो? मैंने खाने की टेबल वहीं छोड़ दी और उस पर जाने लगा। माने कहा, तू खाए नहीं? मेरा खाना हो गया माँ। और कमरे में बैठकर मैं सोचने लगा, जो कुछ आज हम लोगों ने देखा क्या वो सच था?